राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल से शुरू हो चुकी है। यात्रा को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस समर्थकों का उत्साह भी आसमान छू रहा है। यात्रा शुरू होने से पहले ही हजारों लोगों की भीड़ जुट गई थी और इस बार इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी यात्रा की आगाज का हिस्सा बने हैं। तो कौन कौन से दल के नेता पहुंचे हैं मणिपुर, देखिए ये रिपोर्ट। थौबल से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। यात्रा से जुड़े हुए गीतों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रहे हैं। यहां तक कि दिल्ली में भी सत्ताधारी दल तक इसकी आवाजें पहुंच रही हैं। यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और पूरा इंडिया इस यात्रा में शामिल होने के लिए मणिपुर पहुंचा है। यात्रा में शामिल होने के लिए सीपीआई, सीपीएम, जेडीयू, आरजेडी के नेता पहुंचे, साथ ही टीएमसी, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेता भी शामिल हुए। बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली ने भी यात्रा में शिरकत की है। यानी इंडिया गठबंधन की अधिकांश पार्टियों के नेता इस समय मणिपुर में हैं और यात्रा के आगे भी तमाम दलों के नेता इसमें जुड़ते रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस की यह यात्रा 67 दिनों में 15 राज्यों और 110 जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगभग 6700 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा ज्यादातर बस से होगी लेकिन कहीं कहीं पदयात्रा भी होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का असर अभी से दिखाई देने लगा है क्योंकि यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले निकल रही है, इसलिए बीजेपी के अंदर डर भी दिखने लगा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।